के शोर ने नींद से मुझे जगाया और आंख खुलते ही एक अजब नजारा मुझे दिखाया, जिन्हें हम अपनी सीट पर सुला रहे थे उन्हें एक भैया अपने हाथों से नाश्ता खिला रहे थे। शुरू करता हूँ। गुजरात का सफर था, मैं ट्रेन से आ रहा था। आप लोग सफर ना साथ में, देखो ये सफर है, आप लोग अगर साथ में चलेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। हो सकता है मैं बीच में भूल भी जाऊं तो एडिट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात का सफर था, मैं ट्रेन का सफर था, मैं गुजरात से आ रहा था और मैं ही नहीं मानो ट्रेन में एक कारवा जा रहा था। आशिक मिजाज मौसम, हल्की हल्की बारिश जारी थी। शुक्र था अल्लाह का, कन्फर्म सीट हमारी थी। शुक्र था अल्लाह का, कन्फर्म सीट हमारी थी। बाकी सभी सीट पर बैठे थे लोग आड़े टेढ़े बल खाए हुए, हम अपनी सीट पर थे आराम से पैर फैलाए हुए। भाई साहब जरा से पैर सिकोड़ लो, अगर कोई भी कहता था मानो मेरा खून 180 डिग्री पर खोलता था। इतने में टीटी साहब आए, आकर मेरा टिकट चेक किया और बड़े इत्मीनान से मेरी सीट का जायज़ा लिया। कहा मुझसे, जनाब 2 घंटे की बात है, उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी, एक पैसेंजर बहुत परेशान है, इसे बिठा लो, उसकी मदद हो जाएगी। मैंने कहा आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको बिठा लेता ज़रूर, लेकिन मेरे पाँव में बहुत दर्द है हुजूर। मना करते ही टीटी से बहुत हुई मेरी भैसम भैसाई। रहने दो अंकल, मैं यहीं बैठ जाऊंगी, एक बड़ी मीठी सी आवाज मेरे कानों में। रहने दो अंकल मैं यहीं बैठ जाऊंगी, एक बड़ी मीठी सी आवाज मेरे कानों में आई। आवाज सुनते ही एक करंट मेरे कानों से होता हुआ मेरे दिल पर जा लगा और मेरा सोया हुआ आशिक एकदम नींद से जगा। फिर मानो एक कश्मकश दिल में शुरू हो गई, यार इसकी उम्र 20 है 21 है, ये कैलकुलेशन शुरू हो गई। यार इसकी उम्र 20 है 21 है, ये कैलकुलेशन शुरू हो गई। मैंने कहा एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए पैर सिकोड़ लूंगा और 2 घंटे की तो बात है, आप भेज दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगा। 2 घंटे की तो बात है, आप भेज दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और यहाँ से खत्म हुआ सफर का सारा स्ट्रेस। सुनिएगा, यहाँ से खत्म हुआ सफर का सारा स्ट्रेस। मैं था शाहरुख, वो थी दीपिका और ट्रेन थी चेन्नई एक्सप्रेस। ये फिर से करते हैं। ये फिर से करते हैं। यहां से खत्म हुआ सफर का सारा स्ट्रेस। मैं था शाहरुख, वो थी दीपिका और ट्रेन थी चेन्नई एक्सप्रेस। मैं था शाहरुख, वो थी दीपिका और ट्रेन थी चेन्नई एक्सप्रेस। बैठते ही सीट पर वो सुहाने मौसम में खो गई। अच्छा हम तो थे ही आशिक, हमारी फ्लर्टिंग शुरू हो गई। आधा सफर ठंड में गुजारा, ओढ़ कर हल्की सी लोई, क्योंकि अपनी चादर भी उसे दे दी थी, वो रात भर आराम से सोई। सुबह के शोर ने नींद से मुझे जगाया और आंख खुलते ही एक अजब नजारा मुझे दिखाया, जिन्हें हम अपनी सीट पर सुला रहे थे उन्हें एक भैया अपने हाथों से नाश्ता खिला रहे थे। कहने लगी, सफर लंबा था और टिकट हमने एक ही बुक करी थी और सिर्फ रात गुजारने के लिए आपसे मदद ली थी। काफी दूर तमिलनाडु से गुजरात थक थे परेशान, फिर इत्मीनान से हो गए ये वहां आराम से और हम यहाँ पैर फैलाकर सो गए। अहद किया उस दिन, अब कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं आऊंगा और चाहे कोई गले लगाकर बोले साला सीट पर नहीं बिठाऊंगा।